प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी कहानियों को जानेंगे जिससे आपको भगवान बुद्ध की महानता और उनके अनंत ज्ञान का अनुभव होगा। ये कहानियाँ आपके जीवन के हजारों सवाल का जवाब एक साथ देने में सक्षम होंगी, तो आप अपनी आंखों को बंद करके अपने कानों में हेडफोन लगा के ध्यान से सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहला कहानी है बुद्ध, आम और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। दूसरा कहानी है परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गाँव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। तीसरा कहानी है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई, बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती के स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भी रूता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल्की फॉल और पेनी है, मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। धन्यवाद।